अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल रबियाज डायरी। तो जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पफ़ी स्लीव्स बनाना, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो जी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। ये जी मेरी स्लीव्स का कपड़ा है। ये बाजू बनाने के लिए आपको स्लीव्स की लेंथ ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है। तो जिस तरह से मैंने फोर फोल्ड करके ये अपने स्लीव्स का कपड़ा रख लिया और अच्छी तरह से आयरन कर लिया हुआ है, अब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जी जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इसकी लेंथ का निशान हम नीचे से लगाएंगे, मतलब बाजू के फ्रंट से। पहले हम नीचे 1 या 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और इसके ऊपर से हम अपने बाजू की टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे। मुझे 21 इंच तैयार स्लीव्स चाहिए अपने। तो जी मैंने 21 पे इधर मार्क कर लिया है। आपने भी सेम अपनी लेंथ का इसी तरह से निशान लगा लेना है। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर लेंथ में बच जाएगा, वो हमने ऐसे ही रहने देना। मेरा 7.5 इंचेस बचा है। मोस्टली लोग जो है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर लेंथ में 5 या 6 इंच रखते हैं, पर आप लोग जितना ज़्यादा ये ऊपर कपड़ा रखेंगे, उतने ज़्यादा चुनट्स या प्लेट्स डलेंगे। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आपने इधर चुनट डालना है या इधर प्लेट डालने हैं। तो जी ये देखें, पहले सबसे पहले हमने अपने स्लीव्स की वैसे निशान लगा लेने हैं, जैसे हम सिंपल स्लीव्स की कटिंग करते हैं इस तरह से। ये देखें जी, मैंने अपने स्लीव्स की सारी मार्किंग कर ली है, जिस तरह हम आम सिंपल स्लीव्स की करते हैं। उसके बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, ये देखें जी, इधर से अपने हम थोड़ी सी गुलाई करनी है। 4 इंच पे इधर चौड़ाई का निशान लगा लें, अगर आप लोगों से ऐसे अंदाज़ा नहीं होता तो। जी ये देखें, इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रही हो। इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे इस शेप में। और बाजू का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर लेंथ में रखा है, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितना मर्ज़ी रखें। और जितना आपके पास कपड़ा है आप उतने में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता तो। जी आप 5 इंचेस भी सिर्फ एक्स्ट्रा ले सकते हैं ऊपर की तरफ, और ये लाजमी लेना होता है, इसी के चुनट डलते हैं। अब हम इसका फ्रंट से निशान लगाएंगे। मैंने 4.5 इंच आगे से खुला रखना है और मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा सिलाई के लिए। तो जी ये देखिए, इधर से हम हल्की सी गुलाई में मार्किंग करेंगे ताकि हमारी अच्छी शेप आ जाए जब हम इसको सिलाई लगाएँ। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पफ़ी स्लीव्स जो होते हैं वो ऊपर से हमेशा खुले होते हैं, क्योंकि ऊपर चुनट्स होते हैं और आगे से ये टाइट होते हैं, थोड़े फिटिंग में होते हैं। तो जी अगर आप इसको फ्रंट से भी खुला रख लेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से जी ये देखें, हमने इसकी सारी कटिंग कर ली है। अच्छी तरह से हमने इसको शेप दे लेनी है और कटिंग कर लेना। अब जी हम इसके फ्रंट पे एक छोटा सा कट लगाएंगे अपने बाजू की लेंथ का, इस तरह से। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कटिंग होकर किस तरह से इसकी शेप आती है। तो जी इस तरह से ये दिखता है जब इसकी कटिंग हो जाती है स्लीव्स की। सेंटर में एक आप कट लगा लें। इस तरह से जी हमारे प्लेट्स डलेंगे आमने सामने, एक का रुख इस तरफ और दूसरे का उसकी तरफ, इस तरह से। होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो। अगर आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं रहता कि हमने कितने मार्जिन में प्लेट्स डालने हैं, तो जी ये देखें, जितनी हमने अपने बाजू की टोटल लेंथ का निशान लगाया था उधर ही आप एक कट लगा लें, और बाकी ऊपर जो कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा, उस सारे के आप चुनट्स डालें। तो जी फटाफट से अब हम चुनट डालते हैं। मैं बार बार चुनट्स बोल रही हूँ, मतलब हम इधर प्लेट्स डालेंगे। देखें जी, पहले हमने सेंटर में से स्टार्ट करना है और सारे प्लेट एक ही रुख में डालने हैं। आप लोगों की ये अपनी मर्ज़ी है, आप बड़े बड़े प्लेट डालना चाहते हैं बड़े डालें, छोटे डालें तो छोटे डालें। वैसे ये छोटे छोटे प्लेट्स डालें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से जी देखें, मैं एक साइड के सारे प्लेट्स डाल लूँगी और अब दूसरी तरफ भी डालेंगे इसी तरह। ये देखें जी, कट लगाया था मैंने कि मैंने इधर तक सिर्फ प्लेट डालने हैं। इस तरह से ही मेरे उस निशान तक मैंने सारे प्लेट डाली हैं। अब इसी तरह हम दूसरी, ये देखें, मैंने आमने सामने दोनों प्लेट्स का रुख रख लिया है। इस तरह से अब दूसरी साइड पे भी हम डालेंगे सारे प्लेट्स। इस तरह से हमने सारे प्लेट्स डाल लिए हैं दोनों स्लीव्स पे। हम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे, आप लोगों ने भी सेम इसी तरह करना है। अब जी हम कंधे का निशान लगाएंगे, जितना कंधा हमारा बाजू का होगा उस हिसाब से इधर हम मार्किंग कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे।
अब जी इधर मैं बाजू के आगे लेस लगा रही हूँ। फटाफट से लेस लगाने के बाद फिर बाजू को बंद करेंगे और शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। लेस हमने लगा लिया, अब हम इसको बंद करेंगे। 4.5 इंचिस पे रख के इसको मैं बंद कर दूंगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जितना आपने खुला या तंग रखना होगा। जिस शेप में हमने कटिंग की थी उसी शेप में हम इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए सीधा होके इसकी इस तरह से शेप आती है बाजू की। और अब मैं इसको शर्ट के साथ अटैच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। हमने सेम उसी तरह इसको शर्ट के साथ अटैच करना है जिस तरह हम एक सिंपल बाजू को करते हैं। इधर बस हमने एक बात का ख्याल रखना होता है, मतलब जो बाजू का सेंटर है वो शर्ट के सेंटर के साथ ही जुड़ा हुआ हो इस तरह से, क्योंकि हमने प्लेट डाले हुए हैं तो हमारे दोनों तरफ आगे पीछे प्लेट इक्वल आए। तो जिस तरह से फटाफट मैं अपना बाजू अटैच कर लूँगी शर्ट के साथ। इस तरह से हमारे स्लीव्स अटैच हो चुके हैं शर्ट के साथ। तो जी ये पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने इधर लेस की एक और लाइन लगा ली थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पहने हुए भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैं आप लोगों के साथ इस शर्ट की पूरी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। होप सो आप लोगों को पसंद आई और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।